गाइस, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका भाई बालाजी, आपका गाउडी ब्रदर्स में स्वागत है दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ फिर से क्या करने के लिए। मैं आता हूँ मधुमक्खी का छत्ता गिराने के लिए। तो मैं आज आपके सामने मधुमक्खी का छत्ता गिरा के दिखाऊंगा। कभी भी आऊंगा तो बड़ा है छोटा है छत्ता गिरा के दिखा ही दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है। मेरा कॉलेज बंद है तो पढ़ाई बिढ़ाई छोड़ के मैं सिर्फ मेरा जो इंटरेस्ट है मैं उसमें ही काम करता हूँ दोस्तों। तो चलो छत्ता, पहले छत्ता ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा मधुमक्खी का छत्ता ढूंढने के लिए पेड़ ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर मधुमक्खी के छत्ते पेड़ के ऊपर ही बैठते हैं। तो चलो चलते हैं मधुमक्खी का पेड़ ढूंढने के लिए। तो आओ, इसमें भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। इसमें कैसे होगा दोस्तों? ऐसे छोटे छोटे पौधों में पेड़ों में मधुमक्खी के छत्ते नहीं बैठते, क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत इंटेलिजेंट, दिमाग बहुत ज्यादा होता है। छोटे दिखते हैं लेकिन दिमाग बहुत होता है। वो कांटों के पेड़ों में या ऊपर जो बड़ा सा पेड़ रहता है, बड़ा सा पेड़ के ऊपर बड़ा ऐसी डाली ऊंची डाली रहती है ना दोस्तों, उस पे ही बैठते हैं। इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे झाड़ियों में या ऐसे वो उधर मैं नहीं ढूंढूंगा। मैं बड़े बड़े पेड़ों पे या कांटों के पेड़ों पे जो बड़ा घना पेड़ रहता है हमें उसमें ढूंढूंगा। तो चलो, बड़े बड़े पेड़ इधर मेरे पीछे, तो पीछे ढूंढने के लिए चलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है जो कि हरा भरा है। तो मैं अब इस पेड़ पे जाकर देखूंगा, पेड़ के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि पेड़ मधुमक्खी का छत्ता है। तो ही मैं पेड़ चढ़ता हूँ, जिस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता नहीं रहता मैं उस पेड़ पे नहीं चढ़ूंगा। तो मैं नीचे से ही देखूंगा मधुमक्खी का छत्ता है कि नहीं कि। चलो देखेंगे। एक बार बुरी खबर, इस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता है। तो अब क्या करूंगा, अगली पेड़ पर देखूंगा। अगली पेड़ भी देखिए, मेरे आगे के सामने कितने पेड़ों है, कांटों के पेड़ है, नीम के पेड़ है और इमली के पेड़ है, आमों के पेड़ है। तो मैं उधर भी एक नाला है दोस्तों, क्योंकि इसलिए नाले के आजू बाजू में पेड़ है। तो चलो पेड़ पे ढूंढते हैं। दोस्तों देखिए, उधर मधुमक्खी का छत्ता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि उधर चारों तरफ से पूरी तरह से झाड़ियां ढकी हुई है दोस्तों। तो आपको मैं डायरेक्ट ही इस पेड़ पे ऊपर चढ़ के ही आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखाऊंगा, पूरी तरह से झाड़ियां साफ करके आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं पेड़ के ऊपर। आप गाइस, अब मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा। इधर से आसानी होगी डालियां तोड़ने के लिए, क्योंकि पेड़ के ऊपर ही मधुमक्खी का छत्ता है। तो आप मैं इधर चढ़ूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ। अब इधर से देख सकते हैं, मैं ज्यादा नजदीक आ चुका हूँ मधुमक्खी के छत्ते के नजदीक आ गया हूँ लगभग। अब मैं इसे गिराऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं बहुत नजदीक आ गया हूँ मधुमक्खी के छत्ते के पास। देखिए इधर से दोस्तों, अब दो डालियों पे है दोस्तों। इस डाली पे भी मधुमक्खी का छत्ता है और इस बड़ी डाली को भी थोड़ा सा चिटका के है दोस्तों। अब मुझे मधुमक्खियाँ उठा के देखना पड़ेगा किस डाली पे पूरी तरह से शहद का छत्ता है। उस डाली को तोड़ने के लिए अब मुझे पूरी तरह से मधुमक्खियाँ उठाना पड़ेगा, उठा के
उठाने की ज़रूरत है दोस्तों। अब मैं इसे मधुमक्खियों को उठाऊंगा। देखिए दोस्तों पूरी तरह से शहद भरा हुआ है। देखिए मधुमक्खियाँ कैसे उड़ गई है। अब ये दोस्तों देखिए मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है दोस्तों, जो कि हाथ पे काटी है। इधर इसका काटा है दोस्तों, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इधर काटा चुआ है। अब मैं इसे निकाल दूंगा दोस्तों, इधर काटा है। देखिए दोस्तों पूरी तरह से मधुमक्खियाँ उड़ जा रही है। अब मैं इसे गिराऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे मधुमक्खियाँ बाहर निकल रही है दोस्तों। मैं पूरी तरह से मधुमक्खियाँ हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आसानी होगी मधुमक्खी का शहद निकालने में, इसलिए मैं पूरी तरह से मधुमक्खियाँ हटा दे रहा हूँ दोस्तों। अब मैं इसको काटूंगा दोस्तों। दोस्तों बहुत जोर से काटना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा बड़ा हथियार मैं लाना ही भूल गया ऊपर। देखिए दोस्तों मैं पूरी तरह से डाली काटने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लगभग मैंने काट डाली है। अब थोड़ा ही है दोस्तों बाकी। देखिए पूरी तरह से शहद भी गिर जा रहा है दोस्तों उधर। अब मैं उसको ऊपर इधर और एक बार मधुमक्खियाँ बैठी है। अब मैं इसे हटा दूंगा। देखिए दोस्तों अब मैं मधुमक्खी लगभग गिर गया है दोस्तों। मधुमक्खी का छत्ता देखिए दोस्तों मधुमक्खियां कैसे जा रही है दोस्तों। पूरी तरह से मैं हटा दूंगा, लगभग पूरी मधुमक्खी के छत्ते निकल, मधुमक्खियां पूरे से पूरी तरह से उड़ गई है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं पोली को निकाल दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों शहद का छत्ता जो शहद के नीचे रहता है वो छत्ता अब मैं इधर ही छोड़ दूंगा दोस्तों, क्योंकि इधर अब मधुमक्खियां देखो उधर ही बाकी बैठी है दोस्तों। अब इससे नीचे जो नीचे के हिस्से में बचे हैं उसको सही तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय और एंजॉय करते रहो।